स्वागत है आपका छत्तीसगढ़ कौशल्या भूमि में। मैं हूं आपके साथ जोय सिंह और बात करेंगे खबरों की। खबर रायपुर से है जहां एक पेड़ मां के नाम अभियान की शुरुआत हुई। अटल नगर स्थित जैव विविधता पार्क में अभियान का शुभारंभ करते हुए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने प्रदेशवासियों से आह्वान किया कि सभी अपनी अपनी मां के नाम से एक पेड़ लगाए। तो एक पेड़ मां के नाम अभियान का शुभारंभ और सीएम विष्णुदेव साय ने इस अभियान का शुभारंभ किया। साथ ही लोगों से अपील की कि सभी एक पेड़ अपनी मां के नाम पर जरूर लगाएं। हम लोग सभी से आग्रह कर रहे हैं, पिछले समय स्कूलों को भी आग्रह किए हैं कि जिस भी स्कूल में बाउंड्री है, कैंपस है, वहाँ पर सभी बच्चे अपने अपनी माँ के नाम से एक एक पेड़ लगाएं और उनका अभियान भी शुरू हो गया है। बाकी पूरे प्रदेशवासियों से भी हम लोगों का आह्वान है कि उनको जहाँ भी जगह मिलता है, अपने घर के आंगन में, बाड़ी में, खेत में, खनियाल में, वहाँ पर अपनी अपनी माँ के नाम से एक पेड़ लगाएं। ये पूरे प्रदेशवासियों से आह्वान। और खबर रायपुर से है जहां मुख्यमंत्री साय ने छत्तीसगढ़ के प्रवास पर आए 16वें वित्त आयोग के साथ बैठक में राज्य की विशेष परिस्थितियों और जरूरतों को ध्यान में रखते हुए छत्तीसगढ़ को विशेष अनुदान देने का अनुरोध किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि छत्तीसगढ़ नवोदित राज्य है जो जनजातीय बहुल, कठिन भौगोलिक परिस्थितियों से घिरा और माओवाद प्रभावित है। छत्तीसगढ़ को विकसित राज्यों की बराबरी में लाने के लिए अधिक वित्तीय संसाधनों की जरूरत होगी। तो केंद्रीय वित्त आयोग की बैठक हुई और सीएम ने वित्त आयोग के सामने अपनी बात रखी, साथ ही विशेष अनुदान की मांग की है। सोलहवें वित्त आयोग के चेयरमैन और उनकी पूरी टीम यहां पर आई हुई थी और उनके साथ बैठक हुआ है, जिसमें हमारे सभी मंत्रीगण भी थे, हमारे सभी वित्त विभाग के अधिकारी थे और आने वाला जो 16वां पंचवर्षीय योजना होगा उसके विषय में विस्तार से विचार विमर्श हुआ है। हमारे वित्त मंत्री जी पूरी बात प्रदेश के संदर्भ में आयोग के सामने में रखे हैं और हमारे मंत्रीगण भी और हम सब लोग अधिक से अधिक राशि सोलहवें वित्त आयोग में छत्तीसगढ़ को मिले इसका आग्रह किए। और खबर रायपुर से है जहां मंत्री केदार कश्यप को संसदीय कार्य मंत्री का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। केदार कश्यप के पास वन और जलवायु परिवर्तन, जल संसाधन, कौशल विकास और सहकारिता विभाग की जिम्मेदारी है। आपको बता दें कि पहले से विभाग ब्रजमोहन अग्रवाल के पास था जो उनके इस्तीफे के बाद मुख्यमंत्री के पास चला गया था। मुख्यमंत्री साय ने केदार कश्यप को ट्वीट कर बधाई भी दी है। छत्तीसगढ़ में मंत्रिमंडल का विस्तार जो है टल गया है और केदार कश्यप को संसदीय कार्य मंत्री बनाया गया है। सीएम साय ने एक्स पर पोस्ट कर केदार कश्यप को बधाई भी दी है। तो बता दें कि दो सीटों पर राज्य में मंत्रिमंडल का विस्तार को लेकर काफी समय से चर्चा चल रही थी और अब जो है ये मंत्रिमंडल का विस्तार टल गया है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ रायपुर से मनोज शुक्ला हमारे साथ जुड़ गए। मनोज, प्रदेश में जो है मंत्रिमंडल की विस्तार की चर्चा काफी समय से चल रही थी और अब जो है इसकी खबर आ रही है कि जो मंत्रिमंडल का विस्तार है वो टल गया है। हालांकि केदार कश्यप को संसदीय कार्य मंत्री का जो है जिम्मा सौंपा गया है। जी, आपको बता दें कि काफी दिनों से अटकलें लगाई जा रही थी मंत्रिमंडल के विस्तार को लेकर, उस पर अब विराम लग गया है। और ऐसे में आपको एक महत्वपूर्ण बात बता दूं, 22 तारीख से यहाँ मानसून सत्र छत्तीसगढ़ में शुरू होने वाला है, जिसको लेकर कांग्रेस लगातार भाजपा पर निशाना साध रही थी कि विधानसभा का सत्र चालू होने वाला है और ऐसे में संसदीय कार्य मंत्री का न होना काफी कार्यों को प्रभावित करेगा। इसी सब बात को लेकर विष्णुदेव साय सरकार ने इन लोगों के ऊपर अब विराम लगा दिया और ऐसे में केदार कश्यप को बड़ी जिम्मेदारी दी। आपको ये भी बता दूं कि केदार कश्यप छत्तीसगढ़ के आदिवासी बड़े चेहरे माने जाते हैं और उनके पास पहले से ही
वन विभाग, जलवायु परिवर्तन और कौशल विकास की ही जिम्मेदारी थी। अब उनको अतिरिक्त प्रभार संसदीय कार्य मंत्री का भी उनको सौंपा गया, जिसको लेकर सीएम साय ने ट्वीट कर केदार कश्यप को बधाई दी थी। जी, इसके पहले जो है ये विभाग बृजमोहन अग्रवाल के पास था, हालांकि उन्होंने जब से इस्तीफा दिया लगातार जो है प्रदेश में मंत्रिमंडल के विस्तार की जो चर्चाएं हैं वो तेज रही। हालांकि आज कल होते होते ये कहीं ना कहीं अब पूरी तरह से टल गया है, लेकिन केदार कश्यप की बात कर ले, अब उन्हें ये जिम्मा दिया गया है, क्या लगता है वो उम्मीदों पर कितना खरा उतर पाएंगे? जी जी जी, आपको बता दूं कि केदार कश्यप काफी बीजेपी के काफी वरिष्ठ चेहरे हैं, और केदार कश्यप ये पहली बार मंत्री नहीं बने, इसके पहले जब बीजेपी की सरकार थी उस समय भी वो विभाग में मंत्री थे। तो ऐसे में केदार कश्यप ऐसे अनुभवी व्यक्ति है और काफी मतलब बीजेपी के काफी वरिष्ठ नेता भी माने जाते हैं, और छत्तीसगढ़ में आदिवासी बड़े चेहरे इनको स्थिति होती है। तो ऐसे में इनको सोच समझ कर बीजेपी सरकार ने इनको संसदीय कार्य जी बहुत बहुत शुक्रिया मनोज तमाम जानकारी के लिए। तो अब लगातार देखें तो मुख्यमंत्री साय ने केदार कश्यप को ट्वीट कर इसके लिए बधाई भी दी है, और फिलहाल प्रदेश में मंत्रिमंडल का विस्तार जो है वो टल गया है, और अब केंद्रीय जो केदार कश्यप को संसदीय कार्य मंत्री का प्रभार सौंपा गया है। और खबरों में बढ़ते आगे, खबर रायपुर से है, जहां मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने रिमोट बटन दबाकर राज्य स्तर से मितानिन प्रोत्साहन राशि का सीधे बैंक खाते में अंतरण किया। मितानिनों के खाते में 90,08,84,020 रुपए का अंतरण हुआ। वहीं 69,607 मितानिन बहने, 3,448 मितानिन प्रशिक्षक, 289 ब्लॉक समन्वयक, 176 स्वास्थ्य पंचायत समन्वयक, 26 शहरी क्षेत्र समन्वयक, 285 मितानिन हेल्प डेस्क समन्वयक को राज्य स्तर से एक साथ भुगतान किया गया। वहीं स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने कार्यक्रम की अध्यक्षता की। उप मुख्यमंत्री अरुण साव, उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा, मंत्री केदार कश्यप भी यहां मौजूद रहे। और एक बार फिर से मनोज शुक्ला हमारे साथ चुके हैं। मनोज, सीएम साय ने जो मितानिन है उन्हें एक बड़ा तोहफा दिया है, इसको लेकर क्या जानकारी मिल रही है? जी जी जी, आपको बता दें आज विष्णुदेव साय ने अपने निवास स्थान से मितानिनों को बड़ा तोहफा दिया है, और इसमें करीब 90,08,84,000 रुपए का अंतरण जो है ऑनलाइन ट्रांसफर किया, जिससे मितानिनों के चेहरे पर काफी खुशी देखने को मिल रही है, और ये बड़ी सौगात भी छत्तीसगढ़ के लिए मानी जाती है। और ये मैं आपको यही बता दूँ की मानसून सत्र के पहले मितानिनों के लिए ये बड़ी खुशखबरी है। जी, लेकिन जिस तरीके से हम बात करें, सरकार ने प्रोत्साहन राशि जो है मितानिनों के बैंक खाते में भेज दिया है, अब अगर उनके बीच देखें कितने संतुष्ट है, कितने खुशी देखी जा रही है उनके अंदर, क्योंकि राज्य सरकार अब हर ओर कहीं ना कहीं जो सक्रिय है वो नजर आ रही है, जनता के हितों का जो है अब सोच रही है। जी 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 बिल्कुल, जिस हिसाब से आज विष्णुदेव साय सरकार ने 90 करोड़ राशि जो ट्रांसफर की है, इसमें कई विभाग है जिसको माना जाता है, मितानिनों के साथ साथ मितानिन प्रशिक्षक है, बाल कन्या है, स्वास्थ्य पंचायत के लोग हैं, तो ऐसे में काफी लोगों को राहत मिली है, और उन लोगों के लिए बड़ी खुशखबरी, आज का दिन उन लोगों के लिए बहुत ही बड़ा दिन माना जा सकता है। जी जी, इसको लेकर जो है मितानिन है, बहने हैं, जो प्रशिक्षक है, तमाम लोग, उनका क्या कुछ कहना है सरकार को लेकर? जी जी, आपको बता दूं काफी दिनों से मितानिनों के पैसे को लेकर काफी दिनों से अटकलें लगाई जा रही थी, जिसको लेकर आज विष्णुदेव साय ने 90,80,00,000 रुपए का जो इन लोगों को ऑनलाइन ट्रांसफर किया, इससे काफी उन लोग को उसमें खुशी देखी गई, और इसमें कई लोग भी प्रभावित होंगे, तो ऐसे में निश्चित रूप से खुशी की उन लोगों में खुशी का ठिकाना देखने को नहीं मिला। सुबह से ही उन लोगों में आंख लगा के बैठे थे कि आज हम लोगों को हो सकता है कि पैसे का, सूत्रों के हवाले से ये जानकारी मिली थी, उसमें जो था आज अपने निजी निवास स्थान निवास कार्यालय से इस राशि का ट्रांसफर करेंगे। जी बिल्कुल मनोज, बने रहिए हमारे साथ, आगे भी आपका रुख करेंगे। तो सीएम साय ने मितानिनों को तोहफा दिया है, और कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि जिस तरीके से राशि अब उनके बैंक खाते में मिली है, उनके बीच एक अलग ही खुशी है, साथ ही सरकार के इस कदम को लेकर उनके अंदर काफी उत्साह देखा जा रहा है। तो सीएम साय ने मितानिनों को तोहफा दिया है,
और डायरेक्ट उनके बैंक खाते में जो राहत प्रोत्साहन की राशि है वो भेजे गए हैं। और बढ़ते आगे, खबर रायपुर से है जहां एम्स में मानसिक रोगी ने चाकूबाजी की घटना को अंजाम दिया। वहीं मानसिक रोगी को पकड़ने के दौरान एएसआई और आरक्षक घायल हो गए। किसी तरह मानसिक रोगी को पकड़कर नियंत्रित किया गया। मानसिक रोगी को पकड़कर इलाज के लिए एम्स अस्पताल रायपुर में भर्ती कराया गया है। तो एम्स में मानसिक रोगी ने चाकूबाजी की है और एएसआई और आरक्षक इस दौरान घायल हुए हैं। हालांकि इस घटना से अस्पताल में जो है अफरा तफरी का माहौल हो गया और रोगी को पकड़कर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तो इस हमले में एएसआई और आरक्षक जो है वो घायल हुए हैं और अस्पताल परिसर में अफरा तफरी का माहौल देखा गया। और खबर जगदलपुर से है जहां बस्तर जिले के बहुचर्चित दोहरे हत्याकांड का पुलिस ने 24 घंटे के अंदर खुलासा कर दिया है। जगदलपुर के अनुपमा चौक स्थित एक घर में मां और बेटे की बेरहमी से हत्या कर दी गई थी और इस हत्या के पीछे कोई बाहरी व्यक्ति नहीं बल्कि घटना में घायल हुए छोटे बेटे नितेश गुप्ता का हाथ बताया जा रहा है। उसने ही इस खौफनाक हत्या को अंजाम दिया और पुलिस को गुमराह करने के लिए डकैती की कहानी गढ़ डाली। पुलिस को यह बड़ी सफलता और हत्याकांड का पुलिस ने 24 घंटे के अंदर ही खुलासा किया है और डबल मर्डर का यह मामला बताया जा रहा है जहां हाल ही में मां और बेटे की बेरहमी से हत्या की गई थी और अब इसको लेकर पुलिस ने खुलासा किया है जिसमें छोटे बेटे के शामिल होने की खबर सामने आ रही है। तो पुलिस को यह बड़ी सफलता 24 घंटे के अंदर घटना के मैच 24 घंटे के अंदर पुलिस को यह बड़ी कामयाबी डबल मर्डर मामले में। और एक बार फिर से मनोज का रुख कर लेते हैं। मनोज, डबल मर्डर का जो मामला है अब पुलिस ने 24 घंटे के अंदर उसका खुलासा कर दिया है, बड़ी कामयाबी पुलिस के हाथ। बिल्कुल जी, आपको बता दीजिए कि जगदलपुर पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है इस दोहरे हत्याकांड का 24 घंटे के अंदर खुलासा इन लोगों ने किया है। इसके लिए काफी इन लोगों को काफी सराहना भी मिल रही है। और आपको बता दूं इस दोहरे हत्याकांड के पीछे की पूरी कहानी आपको बता दे रहा हूँ कि माँ और बड़े बेटे को लेकर वाद विवाद चल रहा था। छोटे भाई ने अपनी माँ को और सगी माँ को और सगे बड़े भाई की हत्या की है, ये बड़ी बात सामने निकल कर आ रही है। और सारा मामला जो है शादी और प्रॉपर्टी विवाद को लेकर काफी दिनों से बड़े भाई के साथ छोटे भाई का विवाद चल रहा था जिसको लेकर और पूरी कहानी गढ़कर ऐसे हत्याकांड का ये खुलासा पुलिस ने किया है कि पूरी कहानी छोटे भाई ने पहले उनको तवे से मारा है, माँ को बर्तन से मार के घायल किया है, उसके बाद रस्सी से इन लोगों का गला दबा के इस तरह की घटना को पूरा अंजाम देते हुए सोची समझी प्लानिंग के साथ छोटे भाई ने मां को और बड़े भाई को भाई की हत्या की है जिसका खुलासा पुलिस ने किया। जब पुलिस उसको थोड़े कड़ाई से पूछताछ की है तो पूरा राज उगला है छोटे भाई ने और पूरी कहानी जो है बताया पुलिस को दी। मनोज, जिस तरीके से हम देखें माँ और बेटे दोनों की यानी कि खुद की माँ और अपने भाई की हत्या की गई है, क्या इस हत्या को अकेले उसने अंजाम दिया है या फिर उसके साथ अन्य लोग भी शामिल थे, किसी की सहायता से दी घटना को अंजाम दिया? जी, आपको बता दूं पुलिस के खुलासे में जो छोटे भाई ने खुलासा किया है, जो पुलिस ने उनसे सवाल जवाब किया है, तो उसमें पुलिस द्वारा बताया गया कि छोटे भाई अकेले इसने पूरी कहानी को गढ़ा था, इस तरह की जगह की पूरी डकैती की वारदात को अंजाम दिया गया, ये पूरी घटना को उसने खुद प्लान करके इस तरह की हत्या को अंजाम दिया। और जो आप खुद सोच सकते हैं कि सगी माँ और बड़े भाई की हत्या सिर्फ प्रॉपर्टी और शादी को लेकर इसने इस तरह की हत्या को अंजाम दिया है। जी, अगर हम बात करें तो लगातार इसको लेकर जो है पुलिस प्रशासन चौकन्ना है और कहीं ना कहीं जो कामयाबी मिली। लेकिन वहीं अगर हम बात करें रायपुर से भी एक खबर सामने आई थी जहां अस्पताल परिसर में जो अफरा तफरी मची थी और एम्स में जो मानसिक रोगी है उसने चाकूबाजी की, जहां एएसआई और आरक्षक दोनों घायल हो गए।
जी आज सुबह की घटना है कि एक मानसिक रोगी को लेकर परिवार वाले आए थे और यंग से इलाज कराने, उसी समय की ये वारदात है जहाँ पर मानसिक रोगी ने चाकू से सभी लोगों वहाँ पूरे अपना तफरी का माहौल मच गया था। ऐसे में आप समझ सकते हैं यंग हॉस्पिटल काफी बड़ा हॉस्पिटल माना जाता है और वहाँ कैंपस परिसर में इस तरह की अपना तफरी से पूरा भगदड़ सा मच गया है। तत्काल जो है वहाँ के लोगों ने आमा नाका थाना पुलिस को जानकारी दी। तत्काल मौके पर पुलिस द्वारा तो वहाँ पे पहुंची वहाँ पर कार्रवाई के दौरान उसको पकड़ने को लेकर जो एसआई और एक आरक्षक को उसने चाकू मार दिया, जो मानसिक रोगी था उसने चाकू मार दिया। लेकिन जिन लोगों ने बहादुरी के साथ उस मानसिक रोगी को फिलहाल पकड़कर उसको उसमें अस्पताल में भर्ती कराया और उसके बाद फिर जो एसआई और उसका आरक्षक का इलाज वहीं पर उसको जो आरक्षक की अभी क्या हालत बताई जा रही है जिनके ऊपर हमला किया गया है? जी उन लोग अभी स्वस्थ कटरे से बाहर बताए जा रहे हैं और मानसिक रोगी को एम्स में ही भर्ती करा दिया गया है। जी और अस्पताल में अभी क्या माहौल है, क्योंकि जिस तरीके से ये हमले की खबर सामने आई इस दौरान ये भी बताया जा रहा है कि जो अफरा तफरी का माहौल है वो देखा गया, साथ ही जो अन्य रोगी है मरीज है वहाँ भी कहीं ना कहीं इसका असर जो है वहाँ देखने को मिलता है। हॉस्पिटल एक माना जाना हॉस्पिटल है और वहाँ गंभीर बीमारियों से ही पीड़ित व्यक्ति आती है, ऐसे इस तरह का वहाँ पर घटना होना निश्चित रूप से स्वाभाविक है। पूरी वहाँ से खलबली मच गई थी, एक बौखलाहट मच गई थी इस प्रकार की वारदात और पूरे सोनी एम कैंपस परिसर की ये घटना है, जिससे पूरा प्रशासन मीडिया आनंद फानंद में वहाँ पे सारी राजधानी रायपुर की पूरी फोर्स वहाँ पर पहुँच गई थी और फिलहाल आमा नाका पुलिस ने काफी बहादुरी से पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया और फिलहाल एसआई को हल्की चोटें आई, जो चाकू थे उसने मानसिक रोगी ने उनको हमला कर दिया था और एक आरक्षक उनको पकड़ने में फिलहाल कामयाबी पुलिस को मिल गई। बिल्कुल मनोज, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए। तो वही बढ़ते आगे, सूरजपुर में एक नाबालिग दिव्यांग लड़की से दुष्कर्म करने वाले दो आरोपियों को ओड़गी पुलिस ने गिरफ्तार किया, जहां दोनों आरोपी कई महीने से डरा धमकाकर पीड़िता से अनाचार कर रहे थे, जहां एक आरोपी पीड़िता को अपनी बेटी बनाकर साथ रखता था। ऐसे में पीड़िता ने तंग आकर दुष्कर्म की घटना को अपनी मां को बताई, जिसके बाद पीड़िता की मां ने थाने में रिपोर्ट दर्ज कराया, लिहाजा पुलिस दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर कार्रवाई में जुट गई है। तो सूरजपुर का ये मामला बताया जा रहा है जहां नाबालिग दिव्यांग लड़की से दुष्कर्म किए जा रहे थे, फिलहाल पुलिस ने दो आरोपियों को मामले में गिरफ्तार कर लिया है और आगे की कार्रवाई में जुट गई है। तो दुष्कर्म के दो आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं और सूरजपुर का यह मामला बताया जा रहा है जहां दिव्यांग लड़की से दुष्कर्म की खबर सामने आ रही है और लड़की ने इसकी सूचना अपनी मां को दी, इसकी जानकारी अपनी मां को दी, जिसके बाद मां ने कदम उठाए और आरोपियों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। फिलहाल पुलिस जो है मामले की जांच में जुटी हुई है, दोनों को हिरासत में लिया गया है। थाना ओड़गी क्षेत्र के एक गांव के अंतर्गत जो है एक महिला ने आकर के रिपोर्ट लिखाई थी कि उसकी नाबालिग लड़की को दो लोगों ने, जो दो आरोपी हैं, उन्होंने अलग अलग समय पर महीनों से लंबे समय से उसके साथ अनाचार करते रहे हैं और उसकी शिकायत पर जो है लड़की की जांच वगैरह की गई, एमएलसी इत्यादि की गई, एफआईआर दर्ज किया गया और धारा 64A बीएनएस का दर्ज किया गया और उसमें पॉक्सो एक्ट भी लगाया गया है और उस शिकायत के आधार पर जांच करके एफआईआर करके और दोनों मुलजिमों को गिरफ्तार कर लिया गया है और उनको जुडिशियल कस्टडी पे भेज दिया गया है। और बढ़ते आगे, सूरजपुर में रामानुज नगर पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर 8 लाख के नशीले इंजेक्शन के अवैध जखीरे को बरामद किया है। दरअसल रामानुज नगर पुलिस को एक सुमेरपुर गांव में तालाब के पास कुछ संदिग्ध चीजें पड़े होने की सूचना मिली थी और सूचना के बाद जब पुलिस मौके पर पहुंची तो दो प्लास्टिक के बोरे वहां पड़े मिले जो कि नशीले इंजेक्शन से भरा पड़ा था। वहीं बोरे में लगभग 8 लाख रुपए कीमत के पुलिस को 1480 नग एविल इंजेक्शन और 1800 नग ब्यूरोप्रेन नॉर्फिन इंजेक्शन जो है मिले हैं। फिलहाल पुलिस ने अज्ञात आरोपी के खिलाफ एनटीपीसी एक्ट के तहत मामला दर्ज करते हुए
आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। सूरजपुर का ये मामला है और हम लोग को मुफ्ती से सूचना मिला कि सुमेरपुर बनवारी तालाब के पास नशीला इंजेक्शन है, जिसकी सूचना तस्दीक पर टीम के द्वारा रवाना होकर नशीला इंजेक्शन अभिरक्षा में लेकर NDPS के तहत कार्रवाई कर थाना लाए हैं। किसका है आरोपी, इसके संबंध में अभी पता तलाश किया जा रहा है, आरोपी अभी इसका पता नहीं चला। और कोरबा जिले में कत्ल का दिल दहला देने वाला मामला सामने आया, जहां पहले तो कातिल ने युवक के टुकड़े टुकड़े कर दिए और इसके बाद शरीर के टुकड़ों को पिट्ठू बैग और बोरियों में भरकर डैम में फेंक दिया। घटनास्थल पहुंची पुलिस ने गोताखोरों की मदद से डैम में छानबीन की तो मृतक का सर मिला, जबकि बाकी शरीर गायब बताया जा रहा है। पुलिस को डैम से आधार कार्ड और पासपोर्ट सहित कुछ दस्तावेज भी मिले हैं, जिससे मृतक के झारखंड निवासी होने का कयास लगाया जा रहा है। हालांकि परिजनों के आने पर ही पुष्टि हो पाएगी और पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। तो पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है और युवक के टुकड़े टुकड़े कर बोरे में डालकर डैम में फेंका गया है कोरबा का यह मामला। हालांकि जो आधार कार्ड और पेपर्स युवक के पास से मिले हैं उसके मुताबिक वो झारखंड का रहने वाला बताया जा रहा है और पुलिस जो है मामले की जांच में जुट गई है। और खबर बिलासपुर से, जहां जिला मुख्यालय के पास क्षेत्रों में डायरिया का प्रकोप नजर आ रहा है। बड़ी संख्या में लोग उल्टी दस्त की शिकायत को लेकर अस्पताल पहुंच रहे और इसी बीच इलाज के दौरान डायरिया पीड़ित युवती की मौत की खबर भी सामने आई है। तो बिलासपुर में डायरिया के चपेट में लोग आ रहे हैं और लगातार इसका प्रकोप जो है जिले में बढ़ता जा रहा है, जहां एक युवती के मौत की भी खबर सामने आ रही है। वहीं मरीजों की संख्या जो अस्पतालों में बढ़ती जा रही है, तो डायरिया का प्रकोप लगातार जारी है और एक युवती की इसके चपेट में आने से मौत भी हो गई है। तो बिलासपुर में डायरिया का प्रकोप जारी है और कई सारे मरीज जो है इसके चपेट में आए हैं। अस्पतालों में मरीजों की संख्या जो है वो बढ़ती जा रही है। वैसे बात करें तो एक युवती की डायरिया के कारण मौत होने की खबर और लगातार अस्पतालों में जो मरीज है उनकी संख्या में इजाफा होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो बिलासपुर से जो है ये खबर सामने आ रही है और डायरिया की चपेट में कई लोग नहीं निकलती है, तो उस वजह से वो जांच बंद हो जाती है, उस पर कार्रवाई नहीं हो पाती होगी जैसा मेरा अनुमान है। ये तो उनका परीक्षण करता हूं मैं। और छत्तीसगढ़ कौशल्या भूमि में फिलहाल के लिए बस इतना ही। खबरों के लिए बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ।